हरियाणा में फिर बनेगी मनोहर लाल खट्टर की सरकार, आज हो सकता है शपथ ग्रहण। आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मनोहर लाल खट्टर, पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। अमित शाह ने कल रात सरकार बनाने का किया ऐलान, जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक के बाद तय हुआ फॉर्मूला। इस सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे। अमित शाह ने जेजेपी के साथ गठबंधन के पीछे हरियाणा के जनादेश का आदर बताया। निर्दलियों के दम पर बीजेपी ने किया बहुमत होने का दावा, खट्टर बोले निर्दलीय विधायकों के समर्थन की चिट्ठी हमारे पास। कई लोगों ने समर्थन दिया है, इसकी चर्चा भी कल जो है। काफी लोगों ने दिया। बीजेपी को समर्थन देने पर दुष्यंत चौटाला बोले हरियाणा में विकास के काम को बढ़ाएंगे आगे। प्रदेश को प्रोग्रेसिव तौर पर आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर यूं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हरियाणा में सरकार गठन का फैसला होते ही बीजेपी और जेजेपी समर्थकों में उत्साह, दिल्ली में हुई आतिशबाजी। आज चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक के तौर पर निर्मला सीतारमण और अरुण सिंह रहेंगे मौजूद। ऋतिका शर्मा केस में फंसे गोपाल कांडा ने किया बीजेपी के समर्थन का ऐलान, दादा के जमाने से संघ के समर्थक होने का दिया हवाला। गोपाल कांडा के समर्थक के ऐलान के बाद घिरी बीजेपी, कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना। गोपाल कांडा के समर्थन को लेकर बीजेपी में उठे विरोध के सुर, उमा भारती ने ट्वीट करके पार्टी को दी नसीहत। गोपाल कांडा के सवाल पर बैकफुट पर बीजेपी, कहा जनता ने उनको चुना है, हमने नहीं मांगा समर्थन। एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान, बीजेपी को दूर रखकर शिवसेना अगर कोई प्रस्ताव दे तो उनकी पार्टी उस पर सोचेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचे शिवसेना समर्थक, पार्टी नेता शाहजी बापू की जीत के लिए की थी कामना। कांग्रेस का मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर हमला, कहा आर्थिक मंदी की ओर बढ़ा देश। कांग्रेस ने कहा केंद्र की नीतियों की वजह से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी चलाने में भी परेशान। देश की बात नाम से कांग्रेस चलाएगी कैंपेन, केंद्र सरकार पर बोलेगी हल्ला, आज से आगाज। महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने की कवायद तेज, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को घुमाया फोन, दिवाली के बाद होगी आगे की बात। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर बीजेपी शिवसेना में खींचतान तेज, मुंबई के वर्ली में आदित्य ठाकरे के समर्थन में लगे पोस्टर। मुंबई में शिवसेना के नए चुने गए विधायकों ने मातोश्री में लगाई हाजिरी, उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। समस्तीपुर से नवनिर्वाचित सांसद प्रिंस राज बनाए गए बिहार के एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया ऐलान। विवादों के बीच अयोध्या में महंत परमहंस दास महाराज ने वीर सावरकर की पूजा की, मंत्रोच्चार के साथ नारेबाजी भी की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन, आज जलाए जाएंगे 5.5 लाख दिए। दीपोत्सव के लिए सरयू किनारे राम की पैड़ी पर सजाए गए लाखों दिए, बनेगा विश्व कीर्तिमान। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान कई देशों के कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन, रामचरितमानस का साउंड एंड लेजर शो भी होगा। अयोध्या में पुष्पक विमान से लाए जाएंगे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उनका राष्ट्रतिलक। राम की पैड़ी में आज भगवान राम, हनुमान की फाइबर की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, एक बड़ा लैंप भी जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली पर नहीं दिखेगा हरियाणा चुनाव का प्रभाव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले एलजी होंगे जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल बनाए गए। लद्दाख के लिए भी उपराज्यपाल का ऐलान, राधाकृष्ण माथुर को सौंपी गई जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार रहे दिनेश शर्मा को नई जिम्मेदारी, बनाए गए लक्षद्वीप के नए प्रशासक। राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा, 16 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 19 नवंबर को गिनती। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद भी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले 6 दिसंबर से पहले बन जाएगा राम मंदिर। मैं कह रहा हूँ कि 6 दिसंबर से पहले मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, आने वाला मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 दिसंबर से पहले मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, आने वाला मुझे पता है, इसीलिए मैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ में नया खुलासा, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी भी थे हत्यारों के निशाने पर। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे का पुतला फूंका, कहा गांधी के हत्यारों का बीजेपी कर रही सम्मान। धनतेरस पर पश्चिम बंगाल में काली पूजा की रही धूम, कोलकाता में ममता बैनर्जी ने किया पूजा पंडाल का उद्घाटन। आर्मी चीफ बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर मतलब पूरा पीओके, गिलगित और बल्तिस्तान। कश्मीर एज अ होल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हेन वी से द जम्मू एंड कश्मीर द कंप्लीट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगित बल्तिस्तान
श्रीनगर के बटमालू में भी आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने 8 दुकानों को किया आग के हवाले। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद बीडीसी चुनाव में 98% से ज्यादा वोटिंग, पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। ओमान के मसीरा में 5वें ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का आयोजन, भारतीय वायुसेना के जवानों ने दिखाए करतब। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, 10 पिस्तौल भी जब्त। पटना सिटी के अगम कुआ में ज्वेलरी दुकान से लूटपाट, वारदात का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली, कई जान भी गए। वाराणसी में 10 साल से फरार चल रहे 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 1 पिस्तौल और 32 लाख का सोना भी जब्त। बिहार के सीतामढ़ी में रेड लाइट एरिया में छापेमारी, भगदड़ मचने से 17 साल के युवक की तालाब में डूबकर मौत, लोगों ने किया हंगामा। बिजनौर में 24,000 नेवले के बालों से बनी ब्रश और नेवले के बाल बरामद, 26 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर में सोलर कंपनी के मैनेजर और उसके साथी को अगवा करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने रिहा कराया, 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। गाजीपुर में 28 साल पुराने केस में अब मिला इंसाफ, पुलिस वालों की पिटाई से हुई मौत मामले में थाना अध्यक्ष और आरोपी मददगार को 7 साल की सजा। दिल्ली के पंजाबी बाग में गर्लफ्रेंड को लुभाने के लिए लूटा आईफोन, धनतेरस पर देना था गिफ्ट लेकिन पहुंचा हवाला। असम के तिनसुकिया में एक कुख्यात नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 AK-47, 13 मैगजीन समेत कई हथियार बरामद। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब तस्करी का खुलासा, 28 कार्टन शराब जब्त, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारकों का प्रदर्शन, सीएम आवास तक पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर आजाद मैदान पहुंचाया। पटना के दनियावा में एक महिला की बेरहमी से हत्या, 2 बेटियों पर भी चाकू और तेज हथियार से हमला। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर की आहट, 1 युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कानपुर देहात में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग की निर्मम हत्या, हाथ पैर तोड़कर मारी 4 गोलियां। वाराणसी में ज्वेलरी कारोबारी से लूट के दौरान हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। 24 घंटे के अंदर लूट की दूसरी वारदात से नाराजगी, नाराज लोगों ने जमकर किया पथराव, SSP जख्मी। सवाईमाधोपुर में पैसे के लेन देन में विवाद में एक शख्स की हत्या, आरोपियों का अब तक सुराग नहीं। मेरठ में कोर्ट में फायरिंग, 2 वकीलों में हुई झड़प, 1 वकील पर गोली चलाने का आरोप। नोएडा में होजेरी फैक्ट्री में भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। दरभंगा में जमीन के विवाद में पुलिस वाले ने लहराया पिस्तौल, उससे नाराज लोगों ने की धुनाई। सासाराम में छात्रों का बवाल, रेलवे के निजीकरण की खबरों पर स्टेशन में की तोड़फोड़। उग्र छात्रों पर काबू पाने के लिए जूझते रहे पुलिस वाले, दौड़ा दौड़ा कर पिटाई किए। सीतामढ़ी में भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, रेलवे के निजीकरण को लेकर जताई चिंता। खगड़िया में बाइक के डिग्गी में रखे करीब 1.25 लाख कैश लेकर बदमाश फरार, CCTV में क्या तस्वीरें। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन का निजीकरण करने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तोला। अलवर में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को जहर देकर मार डाला, फिर की खुदकुशी। दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट, इंडिया गेट के आसपास छाई धुंध की मोटी चादर। पटना में छठ पूजा की तैयारियों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, गंगा के घाटों का किया निरीक्षण। प्रयागराज में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की मुस्तैदी। अक्टूबर को रात 10 बजे दिल्ली NCR में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, दिवाली के मद्देनजर फैसला। दिवाली के मौके पर दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन पर आज से रोक, पावर प्लांट को छोड़कर कोयले पर आधारित उद्योग भी होंगे बंद। दिवाली पर भोपाल की एक दुकान में मिल रहा मोदी नमकीन, तीखे स्वाद वाले नमकीन का नाम इनकम टैक्स मिक्स। भोपाल में बर्तन बाजार पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, धनतेरस के मौके पर की खरीदारी। दिवाली के मौके पर BSF ने बॉर्डर के जवानों को भेंट की मिठाई, पड़ोसी मुल्क ने दी शुभकामनाएं। धनतेरस पर फीकी रही सराफा बाजार की रौनक, सोने चांदी की बिक्री में 40% तक गिरावट दर्ज। जुलाई सितंबर तिमाही में करीब 5 करोड़ स्मार्टफोन्स की बिक्री, फिर टॉप पर पहुंचे Xiaomi। डेयरी समूहों के बाद साइकिल उद्योग ने भी किया कैब का विरोध, कहा साइकिल इंडस्ट्री को रखे दूर। मारुति की इलेक्ट्रिक वैगन आर का 2020 में होने वाला लॉन्च चला, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी और नियमों में देरी को बताया वजह।